हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कटहल की सब्जी बना करके दिखाने वाली हूँ तो मैंने कटहल की सब्ज़ी अपने तरीके से किस तरह से बनाया है अपनी इस वीडियो में आपको बना करके आज दिखाने वाली हूँ तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कच्चा कटहल लिया है और उसे मैंने अच्छे से छिल कर उसके बड़े बड़े पीस इस तरह से काट लिया है और इसे मैंने धो लिया है तो चलिए कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाले को पीस लेती हूँ तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है मिक्सर जार में उसके बाद मैंने दो पीस अदरक का टुकड़ा डाला है चार पीस लाल सूखी मिर्च तीखे के लिए और दो जवा मैंने लहसुन का डाला है एक चम्मच खड़ा जीरा डाल देती हूँ बारह से तेरह दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा पानी डाल करके मसाला पीस करके पहले तैयार कर लेती हूँ तो मसाले को मैंने पीस लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे चार पीस बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसे बारीक बारीक काट लिया है तो चलिए सबसे पहले मैं कटहल को फ्राई कर लूँगी कटहल फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करके इसमें चार से पाँच चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसमें कटहल को डाल करके फ्राई कर लूँगी तो कटहल को डालने के बाद सात से आठ मिनट लगता है अच्छे से फ्राई होने में और कटहल को थोड़ा सा लाल फ्राई करना है और ये कच्चा कटहल है मैंने इसे उबाला नहीं है तो कच्चा कटहल को पहले अच्छे से सात से आठ मिनट लाल फ्राई कर लूँगी तो ये देखिए सात से आठ मिनट हो चुके हैं और कटहल जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अब मैं कढ़ाई को फिर से गर्म करूंगी और उसमें फिर से मैं चार से पाँच चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दो पीस इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को डाल करके इसे मैं अच्छे से पहले लाल कर लूंगी तो प्याज आप इस कटहल की सब्ज़ी में जितना डालेंगे सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी तो चार पीस मैंने बड़े साइज का प्याज़ लिया है और प्याज लाल हो चुका है अब मैं इसमें डाल दूंगी पीसे हुए मसाले और जार में थोड़ा सा मसाला लगा है तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल करके उस पानी को भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भून जाएगा ये देखिए और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मसाले को चार से पाँच मिनट अच्छे से मैं भून लूँगी मसाला जितने अच्छे से भुनेगा सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी लगेगी उसके बाद मैं मसाले में ही डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक तो मीडियम फ्लेम पे मसाले को मैं चार से पाँच मिनट अच्छे से भून लूँगी ये देखिए मसाला जो है वो मैंने भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया ये देखिए मसाला कितना खुशबूदार महक रहा है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्राई किया हुआ कटहल और कटहल को डाल करके चार से पाँच मिनट मीडियम फ्लेम पे मैं इसे मसाले के साथ फिर से भून लूँगी Osionfish. मसाले के साथ कटहल को मैं भून रही हूँ तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और जब ये सब्ज़ी बन करके तैयार होगी तो सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगेगी तो कटहल को मसाले के साथ मैंने भून लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी तेजपत्ता दो तीन पीस मैंने इसमें डाल दिया है तेजपत्ता एक से दो मिनट इसे और मैं भून लूंगी अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी तो एक गिलास मैं इसमें डाल देती हूँ पानी और पानी को डाल करके इसे फिर से अच्छे से चला लूंगी उसके बाद मैं इसे ढक करके पकाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे चला लिया है अच्छे से अब मैं इसे ढक देती हूँ और 9 से 10 मिनट लगेगा इस सब्ज़ी को पकने में तो ये देखिए सब्ज़ी जो है वो पक कर के तैयार हो चुकी है इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और इसे मैंने सूखा बनाया है कटहल की सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है सब्ज़ी ये देखिए बेहतरीन सी कटहल की सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही मज़ेदार की कटहल की जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हुई है रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं